ये देखिए, ये अब हमें तस्वीरें नए संसद भवन के भीतर की मिलने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं इस समय आन बान शान के साथ। ये पूरी की पूरी संसद जो है वो आज देश को सौंपेंगे। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए और पूजा अर्चना का जो पूरा कार्यक्रम है, ये पुरानी संसद से नए संसद की ओर बढ़ते हुए इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रविंद्र, मुझे लगता है कि संगीत रागी मैं आपका रुख कर लेती हूं, ऐतिहासिक पल है और मुझे लगता है आज इस पल का गवाह बनना भी अपने आप में हम सभी भारतवासियों की खुशकिस्मती है। देखिए, बाकी आप सच कह रहे हैं, बहुत ही इमोशनल ये क्षण है कि आजाद भारत का ये संसद बन रहा है। वो जिस संसद में अभी तक आजाद भारत काम कर रहा था उसे ब्रिटिश ने बनाया था, वो उस समय की आवश्यकताओं के लिए था। आज भारत है विश्व की सबसे बड़ी पांचवी अर्थव्यवस्था है दुनिया का। मैं बस 10 सेकंड आपसे लूंगी, और क्योंकि तस्वीरें बहुत खास हो जाती है। देखिए, पुरानी संसद से नई संसद की ओर बढ़ते हुए प्रधानमंत्री, एक प्रतीक भी है। बिल्कुल, ये एक प्रतीक है कि हम उस संसद से निकल करके। और देखिए, ओम बिरला स्पीकर लोकसभा, उन्होंने उनका स्वागत किया, उनसे हाथ मिलाया, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए धोती कुर्ता आज प्रधानमंत्री ने पहना हुआ है। और सनातन संस्कृति में ये कहा भी जाता है कि जब भी आप किसी पूजा अर्चना को के लिए बैठते हैं तो धोती कुर्ता जो है वो सबसे उपयुक्त वेशभूषा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समय ओम बिरला कदम से कदम मिलाते हुए पुरानी संसद से नई संसद के ओर बढ़ते हुए चेहरे पर चमक और खुशी साफ देखी जा सकती है। और ये चमक सिर्फ आज प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर या ओम बिरला के चेहरे पर नहीं है, ये चमक आज हर हिंदुस्तानी के चेहरे पर है, क्योंकि अब नई संसद हमें मिलने जा रही है। अंग्रेजों के शासनकाल में जो संसद की इमारत बनी थी, अब वो हमें नई इमारत। तो प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी मूर्ति के ऊपर पूजा, मतलब आप कहिए एक तरीके से फूल समर्पित किए हैं। और प्रदीप जी, ये पल भी बेहद खूबसूरत है। बिल्कुल, और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री एक विशेष प्रकार की शालीनता दिखा रहे हैं, और जैसे उत्सव के लिए आप तैयार होकर के आते हैं तो धोती कुर्ते के अंदर प्रधानमंत्री बिल्कुल इस ऐतिहासिक अवसर के लिए अपने आप को तैयार करके आए हैं। Zee News.